अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत फिट होंगे एंड अपनी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा कर ही रहे होंगे जिससे फैमिली का नाम हो जाए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आखिरकार हमें हमारी फैमिली का नाम करना चाहिए, जैसा कि मैं कर रही हूँ वीडियोज़ बना के इस्लाम की, दीन की बातें करके। मुझे इतना सुकून मिलता है कि लोग शायद कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो आपको भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो मैं जल्दी एक बहुत सी चीज़ें सिखाने जा रही हूँ, वो मेरा जो सेकेंड चैनल है। तो अगर आपको मेरा सेकेंड चैनल देखना है तो फरहीन सफेदा FARHIN फरहीन सफेदा करके जो चैनल है वहाँ पर जाके देख सकते हो। मैं बैक टू बैक वीडियोज लेके आऊँगी इंशाल्लाह, बट पहले तो ये वीडियो ज़रूर से देखिएगा क्योंकि आज मैं बताने जा रही हूँ एकदम ईजी वे में आपको हिजाब कैसे पहनना है, कैसे मैं अलग अलग टाइप्स के हिजाब मैं खुद पहनती हूँ। बहुत ईजी है एंड मेरे पास इतने हिजाब है इतने सारे हैं कि मेरे पास कपड़ों से ज़्यादा तो मेरे पास दुपट्टे हैं हिजाब है। यस, मैं जब भी किधर भी जाती हूँ मैं बाई करती ही हूँ। यस, तो यस कैसे हो पहले तो आज पहली बात तो मैंने बहुत कम चीज़ों में मेरा ये थोड़ा सा क्लीन विन फेस किया है। वैसे भी मैं मेकअप नहीं करती, तो बस थोड़ा सा ये पाउडर है एंड ये बीबी प्लस क्रीम है। वैसे मैं कुछ यूज़ नहीं करती ज़्यादा एंड यस मुझे आदत नहीं है, बट फिर भी आई एम ट्राइंग आप सभी के लिए। यस, वैसे लगा या नहीं लगा मुझे पता नहीं है। आउच, कभी करती नहीं हूँ इसलिए ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। तो यस, पांच टाइप के हिजाब मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, पांच टाइप के इजीएस्ट हिजाब जो आप पहन कर सकते हो ऐसे वियर करना। पहले आप ये कैप नहीं भी पहनते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, जस्ट अगर आप कैप नहीं भी पहन रहे हो तो ये बाल है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। यस, तो अगर आप ऐसे कर रहे हो तो सबसे पहले तो एकदम सिंपल हिजाब जो मैं पहनती हूँ, देखिए आपका कॉर्नर कितना है, कॉर्नर इतना है, तकरीबन कॉर्नर इतना है, तो आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा हमारी जो तीन उंगलियां है ना, ये तीन जो कांपे बोलते सॉरी, ये जो है ना बस इतना होना चाहिए एंड देन यू कैन लाइक दिस, यू डू लाइक दिस, ऐसे करना चाहिए, ये जो है ना ऐसे पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। एंड देन आपको ये दबाना है, यहाँ पर रखना है एंड देन यस, देखिए यस, ये आपका सिंपल हिजाब है। सिंपल ये जो है ना, ये ऐसे ऐसे जो है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, पट्टी जो भी बोलो आप, बट ऐसे सॉल ऐसा पढ़ना चाहिए, ऐसे ऐसे मतलब यस, समझ आया आपको कितना इजी है, ये सबसे इजीएस्ट है। तो ये भी ट्राई कर सकते हो अगर जल्दी में हो तो। अगर आप जल्दी में नहीं हो और अगर आपके पास कैब भी है तो मैं आज आपको, ये थोड़ा डिफिकल्ट भी नहीं है बट बहुत ही बेहतरीन है, यू कैन डू लाइक दिस, आपको ऐसे करना है ऐसे एंड यस, ये ऐसे थोड़ा, अगर आप यहाँ पर ये हमेशा से मैं पहनना चाहती हूँ बट नहीं पहन पाती, यू कैन डू लाइक दिस, मैं ये नहीं पहन पाती हूँ, बहुत बार मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ऐसे ऐसे पहनूँ, मुझसे ये होता है बहुत अच्छे से, बट वापस करते हैं कोई बात नहीं। ये जो छोटा सा है मैंने रखा है, दोनों साइड से अच्छे से पहननी चाहिए कैप, वरना फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। यस, इसको दोनों को ये पकड़ लेना है एंड देन हमको ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला छोटे वाला छोड़ देना है, ये वाला जो पोर्शन है उसको हमको, ये जो पोर्शन है हमको इसको इधर डालना है, इधर डालना है, डाल दिया। फिर थोड़ा सा सही से करके आपको फिट करना है, फिट करना है एंड देन फिट करने के बाद मैंने गलत पहन लिया, मुझे सच्ची में आज क्या हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं वापस ट्राई करते हैं। अच्छा, मुझे अब याद आ रहा है, ये जो दोनों कॉर्नर है ये पहले सही से देख लेने की, ये सही से है,
या नहीं है। अब याद आ गया मुझे ये वाला, तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा लेना है एंड देन यू कैन डू लाइक दिस, यस ऐसे कर लो एंड देन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यस ऐसे करो एंड देन उसको छोड़ दो एंड देन यस 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 हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे बहुत पसंद है ये वाला। एंड देन हम दो पिन भराएंगे, यस ये हो गया, यस कितना प्यारा है। वेट मैं आपको बता दूँ, चलो देखो, वेट वेट दिस इज इजीएस्ट, बट ये बहुत ही प्यारा लगता है, पीछे से भी इतना ही प्यारा लगता है जब हम पहनते हैं। यस देखिए, यस यस, उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला जो है स्कार्फ पहनने का जो स्टाइल है पसंद आया होगा। ये मेरा फेवरेट है, वन ऑफ माय फेवरेट इज दिस, वन ऑफ माय फेवरेट। अगर आपको यहाँ पे भराना है तो आप पेन भी भरा सकते हो ऐसे, तो ये ऊपर दिखेगा। आजकल लोग बहुत यही पहनते हैं, तो कैसा लगा ये वाला मुझे ज़रूर से बताना कि सेकंड वाला अच्छा लगा है ना, ये बताना। तो अब एक और मैं बताऊंगी, एक और है जो कि बहुत ही प्यारा है, हालांकि ये बहुत ही सना खान जो है, जो कि बहुत बड़ी जानी चुनी हस्ती हैं एंड वो हमेशा से ऐसे ही सिंपल पहनते हैं कैप, एंड शी डू लाइक दिस कि वो कैप, ये कैप होगा तभी आप पहन सकते हो, कैप दिखानी है सबसे ज़्यादा एंड आपको यहाँ पे कुछ टर्न नहीं करना है। ये मुझे भी बहुत पसंद लगता है कि सिंपल है एंड यू कैन डू लाइक दिस, जस्ट आपको बस ऐसे करना है, ये लेफ्ट हैंड के साइड आपको लेके जाना है। ये देखो कितना, मतलब ये ज़्यादा हो रहा है, यस ये हमेशा से जब आप ऐसे पहनते हो ना तो बहुत प्यारा लगता है स्कार्फ, यस। सना खान हमेशा से ऐसे, उनकी जो टोपी है हिजाब की टोपी, वो हमेशा से दिखती है। ये तो तही तीन, बट मेरी अम्मी जो सबसे ज़्यादा जो स्कार्फ पहनती है, जैसे पहनती है, उनका जो बताऊँ तो वो ऐसे पहनेंगे एंड वो ऐसे करते हैं, यस उनका पहनने का तरीका ये है। ये भी बहुत इजी है, बट यस जो पहले दो बताए वो भी बहुत इजी है। थोड़ा अंदर से लीजिए, जैसा कि मैंने लिया है, मैं आपको बहुत करीबी से बता रही हूँ। यहाँ पे फिर हमें ऊपर लगानी है, जो भी पिन है आप इधर ऊपर लगाइए एंड देन फिर इसको आपको यहाँ पे ऐसे करना है। देखिए आपको दिख रहा होगा ऐसे ऐसे वी शेप का, तो बस ऐसे करके आपको फिर यहाँ पर है एक पिन लगानी है, लगा सकते हो आप ऐसे एंड देन यस यस, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो ट्राई करिएगा एंड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि कौन सा वाला हिजाब का स्टाइल आपको पसंद आया। हमारे इस्लाम में भी हिजाब का स्टाइल है, पता है, देखो ऐसा कुछ नहीं है, हम भी हिजाब के थ्रू बहुत ज़्यादा प्रेटी लग सकते हैं। बहुत बोलते ना लोग कि बुरखा पहनने से तो खूबसूरती चली जाती है, नहीं ये देखो कहाँ है खूबसूरती चली गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यस ये दुपट्टा मैंने इसलिए पहना है कि यस मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं हमेशा से आपके सामने बहुत बड़े दुपट्टे में आती हूँ, यस। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर एंड यस ईद में आप कौन सा हिजाब ट्राई करोगे मुझे वो भी बताना, एंड मैं बहुत जल्द हिजाब का कलेक्शन लेके आ रही हूँ, तो यस आप भी बाय करिएगा एंड अप्रिशिएट करिएगा, मैं बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ये तीन चार जो स्टाइल हैं हिजाब पहनने की ये आप ट्राई करोगे एंड दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।